डीजी जोन अखिल कुमार ने गुरुवार की देर शाम पैदल गश्त कर महानगर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट परिसर से पैदल निकले एडीजी जोन शास्त्री चौक पैडलेगंज होते हुए पैदल इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्होंने व्यापारियों और संभ्रांत लोगों से के साथ वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी पर पहुंचकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने वहां के पुलिसकर्मियों और संभ्रांत लोगों से बैठक की और कहा कि कोई भी समस्या हो तो उन्हें तुरंत अवगत कराएं। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार ने लोगों से महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए भी आह्वान किया और कहा कि कोई भी अगर सुझाव आपको नजर आता है तो उसे तत्काल पुलिस को दें, जिससे उसका समाधान निकाला जा सके। इस दौरान सीओ कैंट सुमित शुक्ला सहित पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। संपर्क और संवाद बनाना, ठीक है। और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो फिर नीचे के स्तर भी लोग इसको गंभीरता से लेंगे, ठीक है ना। और हमारा स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अच्छे प्रतिष्ठित लोग और जुड़े हुए हैं जनता से, उनसे संपर्क बनाए। तो एक प्रश्न मैं सबसे पूछूँ, जैसे कि राय साहब आप ये बताइए कि आपके यहाँ का बीट आरक्षी कौन है? बीट आरक्षी तो सर नहीं पता है मुझे, लेकिन सुनील कुमार जी और मिश्रा जी हमारे कॉलोनी में आते रहते हैं और हम लोग जो मीटिंग होती है उसमें एक कमेटी भी गठित हुई है जी। रात में वो जागते हुए कुछ आप लोग दिखाई देंगे। हमारे यहाँ बहादुर भी नियुक्त हुए हैं, रात में सिटी बजाते हैं, और मिश्रा जी भी करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में हमारे कॉलोनी में वो जाते हैं। और हारन फूटर जब बजता है तो पूरे कॉलोनी के लोग जान जाते हैं कि चौकीन चार साहब जा रहे हैं। बढ़िया, मैं एक बेहतर उनका लगा हमें, मतलब सब इंस्पेक्टर तो हम आपके अच्छे हैं। मैं तो ये जान रहा हूँ, हमको